चल हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह तूने अपने क्रूस के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्हों को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में जीवन पाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह तू भला गडरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनस्थान की महिमा तक पहुँचाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह तू गरीब और नम्र बना, हमारा नम्र निवेदन है कि गरीब और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तू अपने महत्वपूर्ण पुनस्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह तू परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी हो गए और पुनस्थित जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्य पूर्वक स्वीकार करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों में अपनी दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों की पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वधा। शांति सब जन कहिए
आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तोमस की याद हम करते, विजयी भक्तों शहीदों के संग। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सुत रहे हैं इस आशा में, प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य अदृश्य सृष्टि का करता है, एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर वह मनुष्य बन गया और कुमारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से उत्पन्न होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना सुदिगन करने के लिए आपको योग्य बनाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रियते प्रांति श्रेष्ठ महा धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्ष को, याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। ये प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। ये प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्व हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को और आपको भी। भाई और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें।
पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु की ओर प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रस अन्न संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों पर लगाएं, मौन रहें और एकाग्र मनी मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों के कृतज्ञता की योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा की योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन जो भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबिन तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। पावन पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरदास से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं।
जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली। स्वर्ग की ओर हे भूच पिता तेरी ओर आंखें उठा और धन्यवाद की प्रार्थना के बाद उसे तोड़ा तदा अपने शिष्यों को देते हुए कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है ले लो और इसमें से तुम सब एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है ले लो और इसमें से तुम सब पी तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिधि में एकत्रित हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों को उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वथा। आमीन। मनी मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संभूच मार फ्रांसिस के लिए हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप मार राफेल के लिए हमारे महाधर्माधीश मार एलियास के लिए धर्माधीश मार प्रेम के लिए पूर्व धर्माधीश मार विचकियानंद के लिए अन्य सभी धर्माधीक्षों के लिए पवित्र और सर्वत्र कलीसिया के लिए याजकों समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए शासकों अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम ब्रह्म से विधा लेकर सिदारे समृद्ध विश्वासियों के लिए तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और इनके हरे गई इच्छाओं के लिए जो कोई हमसे प्रार्थना मांगी है जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए विशेष रूप से हाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल योग्य और अशक्त हूँ यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। स्मरणोत्सव में तेरे सी में और नहीं कृपा शिष्य माता कुवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे।
हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भौसिक जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवन समाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संत धर्माचार्यों धर्मातीक्षों याचक और वियाचकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन दर जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीस के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाए। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेव अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रखकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। ओ तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। ये प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति गान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्री हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बार-बार ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर तू दया सागर है मेरा प्राण क्षमा कर। हे प्रभु मैं तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवन दाई और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यदि भी हम अयोग्य है यदि भी सचमुच हम अयोग्य है। ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदाय रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। आराधना आराधना करती रहो तेरी आराधना 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 करती रहो तेरी आराधना। जीवन की आन
प्रभु तू महान यीशु की समान आत्मा तू महान आभा की समान प्रभु तू महान यीशु की समान आत्मा तू सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा आमीन। हम श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमर शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मन मुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनस्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने निग्रह से हमारे वाणी पवित्र कर जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट उसके साथियों हमसे बचा क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है शक्ति तेरी और प्रभुत्व तेरा है अब सदा हो सर्वथा आमीन। और आपको भी के लिए एक मात्र पिता पवित्र है एक मात्र पुत्र पवित्र है एक मात्र आत्मा पवित्र है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नव जीवन दिया तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया तेरे करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी जीभ अशक्त है। हमारे जीवन तथा प्रभु ईसा मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। समस्त लोगों आइए प्रभु के मरण और पुनस्थान के इन महान रहस्यों को प्रत्याशा पूर्वक ग्रहण करें।